सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन, इस वक्त हम आपको आज़ाद कश्मीर से ये अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। आज़ाद कश्मीर का रिहायशी नौजवान इंग्लैंड में जान की बाजी हार गया। अफसोसनाक खबर की तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। रावलाकोट पोनियोला के नवाई गांव एड़ी गली पाछोर से तलक रखने वाले नौजवान ज़ीशान फारूक, जो गुज़श्ता हफ्ते स्टूडेंट वीज़े पर पाकिस्तान से इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड एयरपोर्ट पहुंचते ही उनको तकलीफ़ हुई, जो चंद घंटे एयरपोर्ट के अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। ज़ीशान भाई की अहलिया मोहतरमा एयरपोर्ट के बाहर उनके इस्तकबाल के लिए इंतज़ार कर रही थीं, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। फिर उनको मालूम हुआ कि उनकी तबीयत नासाज है और वो एयरपोर्ट के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कुछ बेहतर होने पर उनको एयरपोर्ट अस्पताल के डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करें, लेकिन ज़ीशान भाई ने इसरार किया कि नहीं, मैंने अपने घर जाना है। फिर वो अपने घर आए, जहां उनको दिल में शदीद तकलीफ़ हुई और हरकतें कल बंद होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। ज़ीशान भाई की अचानक मौत ने सबको गम जदा कर दिया। वो हर एक से मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलते थे। मेरा माशरा अच्छे इंसानों से बहुत तेज़ी के साथ महरूम हो रहा है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ीशान भाई के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मगफरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।